तो हेलो फ्रेंड्स, सिम भैया में आप सबका स्वागत है। और ये सोमवती अमावस्या की पूजा है जो मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। और ये मैं तुलसी माता की और ये ठाकुर जी को बिठाल के और गणपति बाबा को बिठाल के पूजा करती हूँ। तो आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन क्या हो जाता है फ्रेंड, कि जो महिलाएं सुहागन महिलाएं पूजा करती हैं वो घर में उनकी शांति रहती है। और हर प्रकार से इन्हें कहना चाहिए कि जो अपने सियाने करते आ रहे हैं पूजा तो वो तो करना ही चाहिए। और ये देखिए मैंने पूजा वगैरह सब कर लिया है। और आज के दिन क्या होता है कि जो बाती होती है ना, अपनी बाती बाती का दीप नहीं जलाया जाता है, ये रक्षासूत्र का दीप जलाया जाता है आज के दिन, क्योंकि ऐसे मानता है, हम लोगों ने सियाने से सुना आया है। तो आज के दिन है तो बाती, जो रुई वाली बाती होती है ना, वो नहीं जलाना चाहिए, जोत नहीं जलाना चाहिए रुई की। आज रक्षासूत्र की रुई मैंने बाती बना के ही जोत जलाना चाहिए और उसी जोत से आरती करना चाहिए। तो ये देखिए मेरी पूजा वूजा हो गई है। और आज भौरी लगाएंगे हम, तो भौरी किस चीज़ की लगाएंगे, या हमने चुन्नी की, माता जी की चुन्नी की 108 चुन्नी ली है तो उसकी भौरी लगाएंगे। और जो मेरी सहेली है तो उसने क्या लिया है अभी हम बताते हैं आप लोगों को। तो उसने ली है नाखून पॉलिश, तो नाखून पॉलिश की वो भी 108 नाखून पॉलिश ली है। और ये जो जहाँ तुलसी कोट रहता है ना, वहाँ 108 बिंदी रखना पड़ता है तुलसी में, फिर उसके बाद भौरी लगाते हैं। तो पूजा वगैरह तो सब हो ही गया था। और ये है तो हम लोग हल्दी और सिंदूर जो रहता है ना, दोनों को मिला के और फिर उसकी हम लोग चारों तरफ 108 बिंदियाँ रखते हैं। ये देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये 108 बिंदियाँ रखते हैं, उसके बाद फिर भौरी चालू हो जाती है, तो फिर उसके बाद पूजा समाप्त हो जाती है। और ये मेरी सहेली ने नाखून पॉलिश की थी, तो 108 नाखून पॉलिश उसकी है और मेरी माता जी की चुन्नी की है। तो हम लोगों ने जब से ये रखा है तो साथ ही में पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो धान पान की पूजा होती है, फिर उसके बाद है तो पूरा श्रृंगार, श्रृंगार के बाद और जो चीज़ आपकी इच्छा है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, 108 बिंदी भी रख दी है हम लोगों ने। अब हम लोग भौरी लगा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं भौरी लगा रहे हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद फिर हम हवन देंगे, हवन के बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो हमने भौरी दिया है सब बच्चों को, जो लड़कियां हैं उनको बांट देंगे। और जो तुलसी माता महारानी के ऊपर ये श्रृंगार जो रखा हुआ है ना फ्रेंड, तो ये किसको जाता है, ये श्रृंगार जो रखा रहता है, जो गांव की वरेठन होती है, शहर की वरेठन होती है, उनको दिया जाता है। तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, ये श्रृंगार उन्हीं के लिए है और उन्हीं को ही देना चाहिए ये श्रृंगार। इसमें कोई नहीं है कि हम अपनी सास को दें, कि जिठानी को दें, कि देवरानी को दें, ये श्रृंगार जो रहता है सिर्फ वरेठन जो धोबन होती है ना गाँव में, शहर जहाँ भी होती है, तो उनके लिए श्रृंगार निकाला जाता है। ये कहानी है इसमें, इसीलिए श्रृंगार इसमें दिया जाता है वरेठन को। तो ये श्रृंगार चला जाएगा और हम लोग ने लगा लिया भौरी। तो जय भोलेनाथ, शिव शिवाय, नमस्ते।